सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्र कार्यालय पर मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसबी सिन्हा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का उद्घाटन किया गया तथा कार्यालय का निरीक्षण कर जायजा लिया गया, जिसके संबंध में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि पिछले कई महीनों से क्षेत्रीय कार्यालय पेंशनरों अंशदाताओं को अपनी सेवाएं अच्छे और सक्षम तरीके से दे रही है और कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को जो भविष्य निधि की सहायता है उसको काफी तत्परता से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया गया जिसमें पेंशनरों को सभागार में समाधान देने में सुविधा होगी। क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भवन में बने कॉलोनियों का निरीक्षण भी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस अवसर पर क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस बी सिन्हा ने कहा, इसके अंदर सर पूरा अपना इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन सर एक ही है सर, पहले साढ़े तीन सौ फिर सर अब साढ़े चार किया है। और सर रिकॉर्ड कटिंग एकदम प्रॉपर है सर, नंबर लिखा है ना उसी हिसाब से, हालांकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है सर क्योंकि स्टाफ प्रॉपर से रिक्वायरमेंट कंबाइन किया है, हर रूम में बैठने से अच्छा है तो यहाँ जैसे प्रोटेंशन जनरेशन एस एस सी जनरेशन और पीडीएस दोनों के जी जनरेशन का उसके अलावा छोटा सा ही है सर, अधिकार नेशन का रूम था उस सर योग सेक्शन के साथ में क्योंकि फाइल होने का मोमेंट होता है तो अकाउंट्स के योग जैसे अकाउंट्स में रख दिया सर। और वैसे तो ये मैनेज कर रहे हैं, एक तो सब पी आर ओ का पूरा काम दिया है। अच्छा, तो ये नीचे लाए हैं सबको वहाँ पे ओवरहेड इनके टैंक है ऊपर बिजली का इस चक्कर में वो ये सेक्टर में डिफॉल्ट है सर। अच्छा, नीचे पानी का स्टोरेज का और उसके ऊपर ही बिजली का दूसरा सबसे गंदा एरिया था सर जहाँ से आपको सफर करना है, यहीं यहाँ पर बड़ा कुआँ बनाया गया था उधर सर। अभी भी जैसे ये उस पूरे उसमें ये एक होता है ना, इसका हम लोग कुछ ये हमने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पदभार संभाला था, उसके बाद से गोरखपुर का मेरा अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ था, तो इसी क्रम में आज हम गोरखपुर दौरे के लिए यहाँ पधारे हैं। और पिछले
कई महीनों से गोरखपुर ऑफिस हमारे पेंशनरों को या और जो हमारे अंशदाता हैं उनको अपनी सेवाएं काफ़ी सक्षम और अच्छे तरीके से प्रदान कर रहा है, और कोविड के कारण या उससे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को भी हम लोग हर एक तरीके से जो भविष्य निधि की सहायता हो सकती है, चाहे भविष्य निधि हो या पेंशन हो या IDLI हो, उसको काफ़ी तत्परता से कर रहे हैं। और आज की कड़ी में एक यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया था, जिसमें कि वो हम पेंशनरों को या और लोगों को जो समाधान दे सकते हैं तो उसमें उसको और सुविधा हो सके। और बाकी हमारे नियोक्ता हैं चाहे और कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करनी हो तो उसमें भी सुविधा होगी। तो आज मैंने उसका उद्घाटन किया है, और कुछ जो हमारे श्रमिक हैं काफ़ी दिनों से पेंशन के लिए, उनका किसी कारण बस मिल बंद होने के कारण या अन्य किसी कारण से पेंशन नहीं हो पा रहा था, तो उनके कर्मचारियों को हम पेंशन वितरित करेंगे आज का मुख्य कार्य। निरीक्षण भी किया गया आपके द्वारा परिसर? हाँ, हमने एक कार्यालय भवन और हमारी जो कॉलोनी है ये पूरे परिसर का निरीक्षण भी किया है।